है राजा प्यारी माऊ बिल्ली। कहाँ जा रहे हैं वो भाई? एक एडवेंचरस है, आ रहे तुम? हर्ष बहुत खुश है, कह रहे फाइनली ये सही हो गया यार। यहाँ पे सैम और अशर की दोस्ती। पापा ले लो, ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसके साथ खेलूंगा। एक बार फिर पुलिस, हर्ष की बेस्ट फ्रेंड, फाइनली हर्ष, अशर और ये झूला। बाय अशर। बाय अशर। गुड मॉर्निंग प्रेरणा। गुड मॉर्निंग हर्ष। रात को तूने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया था भाई। रात को बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या टेबल सजाई इन्होंने हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, सब कुछ है यार। तू देख रहा है बैठने के लिए क्या क्या चीजें, मतलब कितना सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड कवर है, क्या कुशन है, क्या कालीन लगा रखे। अशर आराम से घूम रहा है। मुझे इनका ये स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, टैप हटाओ कवर। एग्जैक्टली, कवर बहुत अच्छा है, लेके जाएंगे यार। पूरा होटल मतलब बहुत अच्छा है ब्रेकफास्ट। और यहाँ तो इतनी ठंड भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ चलो जैकेट उतारी। बाहर बहुत ठंड है। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उधर नहीं बेटा, पानी देख के देखो, झरना देख के जा रहा है। हर्ष जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद 4 घंटे की ड्राइव बची है एंड फाइनली हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ मैं बचपन से अलादीन और वो सब देखती थी। वाओ, सहारा डेज़र्ट। 4 घंटे और हैं। 4 घंटे यार, ऐसा लग रहा है सिर्फ गाड़ी में टाइम निकले जा रहा है। यार ऐसे ही होता है, पता है ऐसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना आसान नहीं होता है, पर अब जब पहुँच जाएंगे तो 3 रातें वहीं पे फन करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। अशर तू करेगा फन? हाँ पापा, मैं बहुत फन करूंगा, मुझे बहुत मजे करने हैं। अशर फिर मैंने देखा ये इतना यम्मी यम्मी वाला ये आ गया योगर्ट। अशर जंप करके मम्मी की गोद में आ गया, कह रहा है मुझे ना योगर्ट खिला दो, बनाना। अरे खा कहाँ रहा था, मैंने इसको दिखाया कि बेटा योगर्ट देखो कितना अच्छा होता है। अच्छा होता है योगर्ट पापा, मुझे तो पता ही नहीं था योगर्ट इतना अच्छा होता है। कैसे बना बना के खिलाना, लल्लू बना के गेम खेल के दूर करो से सारी चीजें पहले। तो मामा और अश्री पश्री वेट कर रहे हैं पापा का, वो लेने गए हमारा लगेज, हम चेकआउट करेंगे। और अश्री पश्री ने बोला मामा चलो मैं आपको ना यहाँ का होटल टूर देता हूँ, बहुत ही सुंदर होटल है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा आपको दिखाऊं होटल में क्या क्या है। तो फिर मैंने कहा ठीक है मामा, पीछे देखो कितनी सुंदर सुंदर चेयर्स है, मुझे बहुत सुंदर लग रही है, मुझे नीचे तो उतारो मम्मा। चलो मम्मा मैं आपको चल के दिखाता हूँ, कभी कभी मैं बीच में गिर भी जाता हूँ क्योंकि अभी मैं नया नया सीख रहा हूँ ना चलना। ये देखो मम्मा कितना सुंदर फाउंटेन है हमारे होटल में। मम्मा मुझे इसको टच करना है, क्या मैं टच कर लूं? हाँ बेटा कर लो। मम्मा देखो होटल कितना सुंदर है, मैं इसके अंदर छलांग मार दूं? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, छलांग नहीं मारनी इसके अंदर। मम्मा देखो मेरे होटल के अंदर कितना सुंदर सिटिंग एरिया है, यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर कार्पेट्स है, कितने सुंदर सुंदर टेबल है, चेयर्स हैं, और कितने अच्छे तरीके से टेबल पे सामान लगाए हुए। वाओ मम्मा मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ। मम्मा मेरे पीछे देखो कितनी अच्छी पेंटिंग है। वाओ हम इसी वाले डेजर्ट में जा रहे हैं? हाँ बेटा हम इसी डेजर्ट में जा रहे हैं सहारा। वाओ मम्मा मैं तो कितना मजे करूंगा, मैं तो डेजर्ट के अंदर बहुत खेलूंगा। मम्मा ये होटल तो बाहर से भी कितना सुंदर है, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, कितने सुंदर सुंदर पैलेस है। वाओ भाई, तो करंट स्टेटस ये है कि हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से, 10 बज गए हैं, लेट हो गए, थोड़ा सा पीछे हमारे होटल है और अब डायरेक्टली गाड़ी रुकेगी सिर्फ सहारा पे। बीच में एक आधा स्टॉप ले सकते हैं, भूख लगी, खाना वाना खाना हुआ, अशर को थोड़ा सा चेंज वेंज करना हुआ, टांगे वांगे स्ट्रेच करने तो रुक सकते हैं, बट अब सीधा सहारा गए। सहारा, सहारा पहुंचने से पहले देखो यहाँ का नजारा। तो मुझे क्या लगता है मिडिल लोग यूजुअली तभी रुकते हैं जब उन्हें सहारा जाना होता है और काफी लंबी जर्नी रहती है, तो लोग मल्टीपल स्टॉप्स लेते हैं। पहला स्टॉप यूजुअली लोगों का फेस्ट होता है, पर हम लोगों ने बाईपास कर दिया फेस क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमें और भी जगह एक्सप्लोर करनी थी और हम सीधा मिडेल्ट पहुंचे। अब यहाँ से 4 घंटे, लेट्स टेक यू देयर। अशर फिक्स हो गया अपनी कार सीट पे। मामा मुझे नींद आ रही है तो चलो मैं सोता हूँ और आप मुझे पहुँचाओ। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे तेरी फोटो नहीं होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। अबे तेरी खींचते, आ जा। मैं सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं नहीं रियलिटी। सूर्य उदय आज कहाँ से हुए भैया? आज अलग जगह से निकला, सहारा से निकला सूरज। हर्ष तू हर्ष ही है ना, तेरे अंदर कोई और तो नहीं आ गई ना आत्मा? यार मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, ये गेट ना फैसिनेट कर रहा है मुझे। ओके मामा हो गया आपका फोटो सेशन, देख रहे हो कितने अच्छा बॉय हूँ, मैं आपको फोटो सेशन भी करने देता हूँ, मैं तो बहुत क्यूट हूँ। एक बात मैं पर जरूर कहना चाहूंगी गाइस, जैसे आप सहारा की तरफ जाते हो सीनरी चेंज होती है, इतने ब्यूटीफुल व्यूज होते हैं, इतना मैजिकल होता है, लिटरली हर चीज एकदम ना फेरी टेल बुक जैसी हो जाती है, मतलब सब बहुत गॉर्जियस होता है। और आई होप कि आगे ज्यादा ठंड ना हो, अशोर के साथ सब कुछ कम्फर्टेबल कन्वीनियंट रहे और इसको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू मम्मा, मेरा बहुत ख्याल रखते हो। चले पापा। यस बेटा यस। एटलस माउंटेन्स के बीच में ड्राइव कर रहे हैं। एक बार फिर पुलिस, हर्ष की बेस्ट फ्रेंड अशर। गुड मॉर्निंग। पुलिस ने हमें रोक लिया बेटा, फिर से अशर की नींद भी पूरी हो गई। फिर से वही सब प्रक्रिया हो रही है। अशर देख रहा है क्या होता है यहाँ पे? हाँ मामा सब कुछ देख रहा हूँ। फिर से कह रहे हैं स्पीड यार। I'll take that in mind because I'm traveling with a baby. I don't think the speed. Yeah. Baby, please let us go. Thank you. मैं तेरी शक्ल देख के छोड़ देते हैं। अच्छा आगे गाड़ी तू ही चला ले। ऐसा करते हैं इसको आगे बिठा ले। सही में यार। Baby, cause of you no चलान। मम्मा पापा ना तेज कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ गाड़ी मेरे को चलाने दो, बिल्कुल कोई चलान नहीं होगा, कोई पुलिस वाला हमें नहीं रोकेगा। ये पता इनकी स्ट्रेटेजी है। 300 रुपए मांग रहा था, 300 दिरहम। कह रहा है 60 स्पीड थी,
72 थी आपकी? झूठ भाई, क्या कैलकुलेशन दिखा ना, अगर 72 थी पता नहीं कहाँ, पहले वाले ने कहा था 92 थी, याद है? हाँ खैर अच्छी बात है कि बच गए, थैंक यू अशर। कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ दिखा रही थी लड़की, और रुकी कहाँ पे है ना, क्यों ऐसा क्यों? पहले हम रुकते थे लैंडस्केप्स एंजॉय करने के लिए, अब अशर को भाई प्रेशर आ जाता है ना कभी भी। तो भाई हुआ क्या, अशर ने पॉटी कर दी तो हमें यहाँ रुकना पड़ा। फिर हमने सोचा अपना थिया यहीं बना लेते हैं, यहीं अपने ये हल्दीराम के पैकेट्स खोल लेते हैं। प्रेरणा अशर को खिला रही है खिचड़ी, जो वो खा नहीं रहा। मैं खा रहा हूँ मैगी और फिर खाएंगे उपमा, अगर भूख लगी तो। खालेगा खालेगा प्यार से खिला, खाएगा नहीं गंदा मचाएगा। बस ये इसके नए नए कपड़े हैं, ये गंदे ना कर ले बस। भाई एक ये है जिसको बिल्लियों से डर लगता है, एक ये है जो उसे कह रहा है आ मेरा हाथ ही खा जा। उछल उछल के जा रहा है, कह रहा हूँ कि इधर आजा प्यारी माऊ बिल्ली बुला रही है वो भी। हर्ष डर गया, उसके इतने बड़े बड़े दांत है प्रेरणा, तेरे भी बहुत बड़े बड़े दांत है। रो रही है यार, कुछ खाना दे दे यार इसे। हर चीज को खिलाने लेके जा रहे हैं नूडल्स। बिल्ली नूडल्स खाती है? मिर्ची नहीं लगी तो खा लेगी ना, वेस्ट हो गए तेरे नूडल्स। और कैसी गुफा है भाई, टनल है हर, टनल बोलते हैं इसको। कैसी अतरंगी बनी हुई है, नेचुरल एकदम। ओ भाई सीनरी क्या चेंज हुई, आगे पानी आ गया यार, पानी और रेत, समझ ही नहीं आ रहे कहाँ घूम रहे हम। आगे लग रहा है कि यहाँ पे टाइगर जिंदा की शूटिंग हुई थी। सच में यार, जितनी ऐसी वाली मूवीज बनती है ना सबकी यही शूटिंग हुई है। तो देख रहे हैं यार कैसी टूटी टूटी जगहें हैं, बीच में पाम ट्रीज उगी हुई है। एक तरफ बिल्कुल ही बंजर और एक तरफ इतनी ब्यूटी, भाई बिल्कुल ड्रीमी राइड है सच में। मम्मा पापा को बोलना ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब में रेता खाएं, क्योंकि इनको डेजर्ट देखने का इतना शौक हो रहा था ना, तब से कह कह के परेशान कर दिया। सैंड ड्यून्स खाएं, सैंड ड्यून्स खाएं, सैंड ड्यून्स खाएं, वो देखो आ गए सैंड ड्यून्स। पता नहीं ये दोनों मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, बाहर तो सिर्फ एकदम रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा है। हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सेम मेरी भी फीलिंग है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ओए होए 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 होए, फाइनली पहुँच गए, हम पहुँच गए। वाओ मामा हम पहुँच गए, ये। और यहाँ पे हर्ष और अशर शॉपिंग कर रहे हैं, हम बॉल बॉल खेल रहे हैं। भाई कैंप में जाने के लिए कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं। और क्या अशर, बॉल ले ले। पापा ले लो ये बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसके साथ खेलूंगा सैंड ड्यून्स के अंदर। नॉट दिस भाई, एक बॉल अशर के एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे लिए कोक डोरिटोस और पानी की एक कैंडी ले रहे हैं। ठीक है अशर, और तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं मम्मा, आई थिंक बहुत है, मेरा काम बन जाएगा, आप अपना देख लो। इतने दिनों की जर्नी, इतने दिनों की हसल फाइनली कम्प्लीट अपने एंड पे आ गई है, क्योंकि हम पहुंच गए हैं मिर्जू का उसी टाउन जहाँ पे हम रुकने वाले हैं। ऐसा वैसा डेजर्ट नहीं, हम सारा डेजर्ट में रुकने वाले हैं। और भाई 6 मिनट से यहाँ से हमने सोचा थोड़ी ग्रोसरी लेते हैं। भाई देखो वाइब देखो इस जगह की, लिटरली कैसी है ना, एकदम खाली खाली, बहुत ही बढ़िया। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है ना, मैं बता नहीं सकती। लिटरली ऐसा लग रहा है इतने दिनों की मेहनत फाइनली सफल हो गई है। भाई एकदम सुनसान बंजर जगह पे लैंड करे हम लोग, सीरियसली कोई है नहीं आसपास। मुझे सीरियसली वो फील आ रही है जैसे वो आता है ना सलमान खान अपनी क्वाड बाइक पे और एकदम धूम मचाले वाले स्टंट्स करता है, एक था टाइगर वाले सॉरी, तो बिल्कुल वैसी वाली फील आ रही है। और हर्ष अंदर चला गया है और यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम अलग दुनिया दिख रही है। सबसे अच्छा मुझे लग रहा है वहाँ पे वो जो कैमल्स अपना खाना खा रहे हैं चुपचाप। चलो फिर अंदर चलते हैं और चेक इन करते हैं। और फाइनली हर्ष हम सही जगह पहुँच गए ना, अभी वो बुला रहे हैं कैंप वाले जो है ओनर, हाँ? वो अपनी गाड़ी लेके आएंगे। ओके और फिर हमारा लगेज सेट करेंगे और हम तीनों को सेट करेंगे और ले जाएंगे सैंड ड्यून्स के अंदर। पापा सैंड ड्यून्स तिजरी कैंप, अब भूल कैसे जाती हूँ पापा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बॉल बॉल खेलूंगा आपके साथ। अच्छा वहाँ पे इतनी रहता है तो खाएगा तो भी खत्म नहीं होगी। अच्छा पापा फिर तो मैं जरूर खाऊंगा। सबरी से इंतजार कर रहे हैं हम अपनी 4x4 के आने का, जिसमें हमारा सामान भर के हम पहुंचेंगे ड्यून्स के अंदर। और लेट्स सी कैसा होने वाला है। मैंने सुना हर्ष वैसे जैसलमेर जो इंडिया में वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। सच्ची हम गए नहीं आज तक जैसलमेर, जाना चाहिए हमें, अगला ट्रिप वहीं चलते हैं। अभी हम रिसेप्शन पे वेट कर रहे थे हमें पिकअप करने के लिए, जब तक आ नहीं रहे तब तक मैंने बोला कि चलो मोरक्कन मिंटी पी लेते हैं। अशर अभी पियोगी? नहीं मैं नहीं पीऊंगा भाई, इसको मोरक्कन मिंटी पीने की जल्दी ज्यादा हो रही है। बंदे क्यों नहीं आ रहे यार, वो बस आ ही गए, कहाँ आ गए। और फाइनली हमारी 4-व्हील ड्राइव आ गई है, हम जा रहे हैं टेंट्स में। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, उन्हें लग रहा था कि हम कैमल्स लेके जाएंगे, बट हम इतना टायर्ड थे और हमें था कि हम कैमल सनसेट पे करेंगे, तो हमने अभी के लिए मना कर दिया। हमने कहा हमें भी बस टैक्सी में गाड़ी में ले चलो बस टेंट्स तक, और फिर थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद फिर मामा कैमल राइड करेंगे। बिल्कुल करेंगे अशर, हम कैमल राइड करेंगे। इसको सब कुछ रीऑर्गेनाइज करना है, इधर उधर इधर उधर, गाड़ी में बैठा नहीं है और भाई इसके तो खेल शुरू हो गए। अशर वापस आओ, उन्हें गाड़ी चलानी है, आपने नहीं चलानी। कम बैक बड़ी। मामा मुझे बहुत मजा आ रहा है खेलने में। निकल पड़े हैं, ये बहुत खुश है कह रहे फाइनली। अभी मैंने इनसे पूछा था यूसुफ से कि ये कैसे मतलब ड्राइव करेंगे, तो बच्चे के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कह रहे दुबई जितना क्रेजी नहीं होगा, एकदम सिंपल सिंपल होगा। देखा है रूट बना हुआ वैसे ना, बहुत सुंदर है यार, है तो डेजर्ट ही है तो सैंड ही।
हेवनली है एकदम। ये जो हमारे साथ है ये कैमल से जा रहे हैं, वैसे हमारा भी पहले कैमल्स का प्लान था। यार कैमल्स खड़े हैं, बैठे हैं बैठे हैं। यार मैं कैमल पे आ जाऊँ तू और अशर आओगी गाड़ी में प्लीज यार। जाओ जाओ। नहीं मैं आगे बैठ गई हूँ क्योंकि मैंने कहा कि मैं आगे से पूरी वीडियो बनाऊंगी। तो सच बोल कह रही, मुझे डर लग रहा है मेरे को आगे बैठने से। मुझे आगे बैठ के ज्यादा थ्रिल आएगा। पापा तो बहुत मजेदार है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। गाड़ी कैसे हमटी दमटी की तरह हिल रही है, क्लैप कर रहे हैं। वेलकम टू सहारा हर्ष। कितने दिन की प्रतिज्ञा के बाद 10 days। वाह अशर के भाई सही आ रहे हैं पीछे से, सही एंजॉय कर रहा है यार, देख रहा है पता है। वाह ये तो बहुत अच्छी जगह चला रहे हो भैया। पापा कहाँ चला रहे थे, भैया तो कहाँ चला रहे हैं, राइट में देख रहे हैं। ओ यार सही ब्यूटी है यार ये तो। तू देख रहा है मैंने कैंप्स भी ऐसे बुक कराए हैं जो बिल्कुल ड्यून्स के अंदर है। आई नहीं रही है, हमें घुमाने ले आ रहे हैं, कैंप में ले आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो भाई, एक एडवेंचरस है आ रहे तुम। अशर तो खो ही गए। कैसी लग रही है फर्स्ट लुक? बहुत अल्टीमेट, जबरदस्त। पापा शेंगो आ गए, थक के पापा पेंगो हो गए हैं। ओए होए होए एंट्री मिशालो, मिशाले जल क्यों नहीं रही? मैं तेरे को बताती हूँ, मैंने ना कोई और कैंप देखा था, फिर हर्ष ने बोला रेड कारपेट नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो हमने रहने दे, ये रेड भी ब्लू हो गया है ब्राउन। चलो भाई चेक इन, मैंने सबसे बड़ा आपको दिया है। बहुत ही सुंदर है, काश तीसरा दिन भी यहीं रुक गए होते। करवाती नहीं फिर भगवाएगी हमें। एंड हियर वी गो। बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है भाई। टेंट वाला तो लग ही नहीं रहा, बहुत सही है ना, मजा आ गया। कौन सबसे ज्यादा मजे कर रहा है जब से यहाँ आया है? Yes, it's me. मामा मेरे को बहुत मजा आ रहा है। By the way, guys, इसको ना आदत पड़ गई है, जो चीज इसको दे दो अनबॉक्स कर देता है पूरी। तो मम्मा आप ही तो मुझे अनबॉक्सिंग कराते थे, मेरे को अनबॉक्सिंग करने की आदत हो गई है मम्मा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सब अनबॉक्स कर दो, सारा सामान फेंक दो इधर उधर। वेरी गुड। बहुत ही सुंदर जगह है, एकदम खाली पड़ी है। ऑल्दो फुल्ली बुक थी यार, पता नहीं कैसे खाली है। घूमने गए घूमने गए सब। Yes. अशर सो गया, क्या सही जगह है ना जहाँ पे हम बैठ गए हैं। वाह यार सब कुछ अरेबियन नाइट्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अलादीन की दुनिया में आ गए। और यहाँ पे हमारे लिए खाना भी आ गया। वाह यार बढ़िया, नाइस, थैंक यू। बाय अशर। खुशी देखी अशर की, अशर को मिला फ्रेंड, डॉग ऑफ फ्रेंड। कितना क्यूट है, अशर खेल रहा था अभी इसके साथ, चला गया। सैम है उसका नाम। सनसेट हो गया हर्ष, तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? आ जाएगा सैम, थक गए और खो गए। पापा इसको बोलो ना मेरे साथ खेले। देखो इंसान बच्चों के लिए क्या क्या करता है, वैसे ही डॉग से डरने वाला आज खुद बुला रहा है, सैम सैम कर रहा है। और फाइनली हर्ष अशर और ये झूला, सावन का झूला झूल रहे हैं मैं और अशर। एक चप्पल है नहीं, एक पहनी हुई है। यार तू भी कर ले यार, ये जो लड़का कर रहा है मुझे भी करना है। माय गॉड बाबू जी वॉक करके आए हैं, पूरा नीचे से चढ़ गए ऊपर चढ़ के आया। अब हम थोड़ी देर बैठेंगे, अभी अशर को पकड़ नहीं पा रहा है, अशर का भार थोड़ा ज्यादा है ना इसलिए। और सैम हमारे साथ आ गए यहाँ पे बहला जैसा यार, बिल्कुल अशर भी बैठ गया यहाँ पे। भाई क्या व्यू है यार। अशर तू बड़ा होगा तो तू देख पाएगा एक्चुअल में तू कहाँ आया था। लग रहा है अशर को मार रहे हैं। ओ वाओ वो मेरे पास आ रहा है, मेरे से प्यार करता है वो। बाय द वे ये सही हो गया यार यहाँ पे, सैम और अशर की दोस्ती। भाई 360 डिग्री व्यू देखो यहाँ से, सीरियसली यार मतलब इंसेन यार, ये कोई व्यू होता है? कैसे आवाजें मार रहा है उसको, तेरी आवाजें अशर पूरे रेगिस्तान में गूंज रही हैं। भागा 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 भाई, देखो हम कहाँ हैं। अशर की हंसने की आवाजें सुन रहे हो भाई। सैम अशर की चप्पल ले आया है यहाँ पे, एक्चुअली हर्ष की चप्पल, और हर्ष वहाँ पे बेचारा चीखे मार रहा है। भाई दूर मत ले जाइयो कहीं, खेलना चाहते हैं वो, कह रहे हैं वापस मत जाओ तुम।